नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 बार PNP इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर है PNP टाइप का। दोस्तों, इसके बारे में आपसे बात करूंगा कैसे इस PNP प्रॉक्सिमिटी इंडक्टिव सेंसर से मेरा रिले ऑपरेट होता है, उसके कनेक्शन को भी आपको दिखाऊंगा, और कैसे इस रिले से हमारा जो PLC और DCS के लिए सिग्नल जाता है इस प्रॉक्सिमिटी के थ्रू, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, उसका पूरा कनेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, अब बात स्टार्ट करते हैं प्रॉक्सिमिटी के वर्किंग के बारे में। An inductive sensor is a device that uses the principle of electromagnetic induction to detect or measure objects. An inductor develops a magnetic field when a current flow through it. Alternatively, current will flow through circuit. अब मैं दिखाने वाला हूँ प्रॉक्सिमिटी के कनेक्शन के बारे में। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये 3 वायर का हमारा PNP टाइप का इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। इसमें 3 वायर मैं दिखाया हूँ। पहला वायर है जो मेरा ब्राउन वायर है, उसमें मैं 24 वोल्ट DC प्लस दिया हूँ। और दूसरा वाला वायर देख रहे हैं, ये हमारा लोड दिख रहे हैं आप, ये हमारा फीडबैक लूंगा मैं इससे। और तीसरा वाला वायर जो है मेरा ब्लू वायर है, उससे मैं नेगेटिव दूंगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, NO है और 3 वायर का अप्रॉक्सिमेटी में सिंबल दिखाया हूँ। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इसमें हम लोग कैसे कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं, कोई भी हमारा जो सप्लाई देते हैं हमारे सेंसर के लिए, उससे लिए क्या होता है, हमारा एक SMPS होता है। SMPS बोले तो स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। वहां से हमारा वोल्टेज निकलेगा, एक पॉजिटिव निकलेगा और एक नेगेटिव निकलेगा। पॉजिटिव तो मैं डायरेक्ट सेंसर में कनेक्शन कर दिया हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये नेगेटिव भी मैं कनेक्ट कर देता हूं, नेगेटिव कनेक्ट कर रहा हूं। यहां पे आप देखिए, ये एक मैं नेगेटिव कनेक्ट कर दिया हूं। दोस्तों, ये मेरे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। दोस्तों, SMPS का इनपुट होता है हमारा 230 वोल्ट AC और आउटपुट हम लोग यहां पे 24 वोल्ट DC ले रहे हैं, इसको मत भूलिएगा आप लोग। हम लोग 24 वोल्ट DC ले रहे हैं, 24 वोल्ट DC में लिख देता हूं, अगर आप भूल जाएं तो 24 वोल्ट DC, ठीक है। ये 24 है, इसको 24 समझिएगा। ये तो हो गया हमारा इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कनेक्शन। अब मैं बताता हूं इसका फीडबैक कैसे लेते हैं। अब मेरा बार बचा है तीसरा वाला, जो ब्लैक बार है, वो वाले बार का कनेक्शन आ जाएगा मेरे इस रिले पे। जैसे देख रहे हैं, मैं इस पे यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। ये कैसे आता है, मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये रिले का मेरा इधर से मैं वापस ले लेता हूँ, यहाँ पे एक मैं रिले बना देता हूँ, आप इसको देखते रहिए। मान लीजिए रिले का कॉइल हो गया, ठीक है। अब रिले पे मेरा ये फीडबैक आएगा, फीडबैक बोले तो PNP टाइप का है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब मेरा फीडबैक पॉजिटिव ही आएगा। तो रिले के लिए पॉजिटिव तो ये आ ही रहा है मेरा A1 नंबर टर्मिनल पे, जैसे देख रहे हैं आप, इसमें A1 नंबर टर्मिनल है, इस पे मेरा ये पॉजिटिव आ रहा है ब्लैक वायर के थ्रू, और ये ब्लू वायर के थ्रू मैं इसको नेगेटिव दिया हूं। तो ब्लू बोले तो ये वाला वायर, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूं यहां पे। ये देखिए, आप चाहें तो हम लोग SMPS सिर्फ दिखा सकते हैं। अब दोस्तों, अब बात आ जाती है यहाँ पे हम लोग PLC सिग्नल पे, ठीक है। ये तो हमारा रिले का इनपुट कनेक्शन हो गया, इनपुट बोले तो जो कॉइल होती है रिले की, उसका कनेक्शन हो गया। इस रिले में कॉइल है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बताता हूँ, इसमें एक कॉइल होती है, उसका मैं कनेक्शन बताया हूँ। ये कॉइल है रिले की, जैसा कि देख रहे हैं, ये रिले के अंदर कॉइल है, लेकिन जो रिले का कॉन्टेक्ट होता है NO NC, उसका कनेक्शन कैसे होता है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, आप देखते रहिए इसको आगे। तुम इसके यहाँ पे एक SMPS ये है, मैं एक और SMPS लूंगा दोस्तों। क्यों लूंगा, उसका रीजन भी आपको बताऊंगा, क्यों ले रहा हूं मैं उसके बारे में बताऊंगा। एक SMPS हो गया मान लीजिए ये, और एक दूसरा SMPS मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
एसएमपीएस मैंने ये बैठा दिया, इसको एसएमपीएस नंबर दो दे दिया दोस्तों, ठीक है। अब क्या होता है, ये मेरा फील्ड वाला हो गया, ये पीएलसी वाला एसएमपीएस हो गया। अब यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट थिंग ये आ जाती है, ये हमारा फील्ड वायर वायर है, उसको मैं सेव कर रहा हूं पीएलसी वाले वायर से, ठीक है। तो वो कैसे सेव करूंगा, ये भी 230 24 वोल्ट डीसी भी इससे भी निकालूंगा मैं, तो उसमें थोड़ा दूसरा डिफरेंट कलर का वायर मैं यूज कर रहा हूं। आप देखिएगा इसको दोस्तों, जैसे देख रहे हैं आप, मैं एक ऑरेंज कलर का वायर यहाँ पे लिया हूँ, यहाँ पे मैं क्या रहेगा, मेरा एक एनो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, एनो रहेगा। यहाँ पे देखिए मैं एनो बनाया हूँ। अब दोस्तों ये एनो निकलेगा, एनो बोले तो यहाँ पे तीन टर्मिनल दिए हैं, एक कॉमन है, एक एनो है, एक एनसी है, ये देख रहे हैं एनसी है, ठीक है। तो मैं कॉमन में ये मान लीजिए कॉमन हो गया, ये एनो हो गया, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन कर दिया हूँ। तो दोस्तों अब ये वाला बार कहाँ जाएगा, ये वाला बार जाएगा हमारा डायरेक्ट, ये हमारा आयो मॉड्यूल रहता है, ये मान लीजिए पीएलसी का आयो मॉड्यूल है, ठीक है, डीआई मॉड्यूल मान लीजिए इसको, डीआई, ठीक है, डिजिटल इनपुट का मॉड्यूल हो गया, क्योंकि हमारा जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो डिजिटल में आता है, तो इसको डिजिटल मॉड्यूल बोल रहा हूँ। इसमें अलग अलग चैनल रहेंगे, मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, मान लीजिए 8 चैनल का है, ठीक है, मान लीजिए 8 चैनल का है, वैसे 16 तक भी आता है, मैं 8 चैनल का मान रहा हूँ, 0 से लेके 7 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, मतलब टोटल 8 चैनल होगा 0 से। तो दोस्तों अब ये कैसे आएगा इसका इनपुट मेरा चैनल पे, मान लीजिए इसको मैं नंबर वन चैनल में लगा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, अब दोबारा आप इसको गौर करने की चीज ये है, जब मेरा प्रॉक्सिमिटी हाई होगा, हाई बोले तो जैसा कि देखिए इसे ये हाई हुआ, यहां पे एलईडी जल रही है, अब देखिए एलईडी जल रही, मतलब मेरा प्रॉक्सिमिटी हाई हुआ, मतलब रिले हाई हुआ, ये देखिए रिले हाई होने के बाद क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी हाई हुआ तो मेरा एनओ से एनसी बना, और ये मेरा रिले भी हाई हुआ, मतलब यहाँ पे मेरा हाई होगा तो ये मेरा कनेक्शन बनेगा, ठीक है, ये एनओ सा एनसी बन गया और हमारा फीडबैक 0 नंबर 1 नंबर चैनल पे आ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों मेरा इनपुट हमारा 1 नंबर चैनल पे आ गया। तो इस तरह हम लोगों ने पीएनपी सेंसर का रिले का कनेक्शन और रिले का जो कॉन्टेक्ट था उसका कनेक्शन बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों इस एसएमपीएस के बारे में, इस एसएमपीएस हम लोगों ने 2 एसएमपीएस क्यों यूज किया है, उसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इस एसएमपीएस में एक नेगेटिव भी निकलेगा, उस नेगेटिव को मैं यहाँ से डायरेक्ट इसके यहाँ पे भी एक देखेंगे आप, वो कनेक्शन होता है उसमें भी एक कॉमन वायर रहता है, उसमें आप कनेक्शन कर देंगे नेगेटिव का नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा फील्ड सेफ कंडीशन के लिए, फील्ड सेफ कंडीशन बोले तो हमारा फील्ड साइड और जो हमारा पीएलसी साइड, दोनों को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, इसको हम लोग पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट भी बोलते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने 2 एसएमपीएस यूज करने का ये रीजन है, ठीक है। आप कई लोग बोलेंगे इसमें फ्यूज नहीं लगा, तो दोस्तों आपके हिसाब से फ्यूज लगा लीजिए, टीवी लगा लीजिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्या लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने फील्ड सेफ कंडीशन भी बना ली यहाँ पे, उसको हम लोग पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट बोल रहे हैं, इसको पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट बोले तो दो पोटेंशियल, एक एसएमपीएस वन एसएमपीएस टू, दोनों का ये 24 वोल्ट डीसी था वो आपस में सेपरेट है, इसलिए हम लोग इसको पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट बोल रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा इस तरह से आप कोई भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर या कोई डीआई इनपुट का आप लोग इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो पहले कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, इसके बाद इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आपको अच्छे लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भविष्य में इस तरह का वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद।